सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में, जो कि आने वाली 3 मई को पड़ेगी, दिन मंगलवार। बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जो है अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है और मंगलवार के दिन जो है 3 मई को ये अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया जो है एक अपने आप में अबूझ मुहूर्त है, यानी कि ये तिथि अपने आप में पूरे वर्ष में सबसे ज़्यादा शुभ कही गई है। इस दिन आप कोई भी काम बिना देखे कर सकते हैं। इस तिथि की यही खास बात है कि ये सबसे शुभ तिथि मानी जाती है पूरे वर्ष की। इस दिन जो है विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार आरंभ करना, पूजा पाठ करना, धार्मिक कार्य करना, अनुष्ठान करना, जितने भी सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम हैं वो इसी दिन किए जाते हैं। इस दिन आप कोई भी काम, जैसे नया वाहन खरीदना, प्लाट खरीदना, मकान बना खरीदना, तो ये दिन जो है सबसे अच्छा कहा गया है। और ख़ासकर सोना खरीदने का महत्व इस दिन बहुत अधिक होता है, तो इस दिन सोना खरीद कर घर लाने से जो है सुख और समृद्धि का वास होता है। इस दिन जो है व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा पाठ करनी चाहिए। माता लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा करने से जो है घर में व्यक्ति की सुख समृद्धि आती है और माता की और विष्णु जी की जो है कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है, क्योंकि कोई भी काम आप जो है बिना मुहूर्त देखे कर सकते हैं। तो और जो भी आप काम करेंगे वो शुभ कार्य आपको जो है उत्तम फल प्रदान करता है। इस दिन जो है बद्रीनारायण के कपाट भी खुलते हैं और इस दिन कहते हैं कि भगवान परशुराम जी का जन्म भी हुआ था, तो उनकी जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था। तो इसी दिन जो है अक्षय तृतीया मनाई जाती है। लेकिन अब की बार जो है अक्षय तृतीया पर कुछ खास संयोग बन रहे हैं। इस दिन जो है एक तो मंगलवार होगा और मंगलवार दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा, जो कि बहुत अपने आप में एक बहुत ही शुभ नक्षत्र है। और रोहिणी नक्षत्र मंगलवार होने से शोभन योग भी बन रहा है, क्योंकि शोभन योग भी इस दिन है। तो रोहिणी नक्षत्र, शोभन योग, तैतिल करण और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च रहेगा, तो चंद्रमा जो है अपनी ही राशि में रहेंगे और रोहिणी नक्षत्र भी उस दिन रहेगा जिसे स्वामी है। और 3 ग्रह जो है उच्च के हो गए और 2 ग्रह अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे। तो बात करें जो उच्च के 3 ग्रह हैं, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, ये 3 ग्रह उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं इस दिन। और 2 ग्रह जो है शनि और बृहस्पति अपनी अपनी राशि में स्वराशि होकर गोचर कर रहे हैं, तो इस दिन बहुत ही खास शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन दान आदि करने का बहुत महत्व कहा गया है। व्यक्ति स्नान दान आदि करे तो उसे कई गुणा फल प्राप्त होता है। व्यक्ति को इस दिन चाहिए कि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, श्री सूक्तम का पाठ करें, माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और भगवान से प्रार्थना करें जिससे उसके घर में सुख समृद्धि आती रहे। तो इस दिन आप जो है एक अबूझ मुहूर्त है ये, इस दिन कोई भी काम आप बिना देखे कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये तिथि बहुत शुभ है और ख़ासकर इस दिन जो है सोना तो लाना चाहिए, साथ ही चांदी का सिक्का भी लाना चाहिए जिस पर गणेश जी, लक्ष्मी जी बने हों। ये सिक्का लाने से जो है घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो ये था अक्षय तृतीया के बारे में जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी जाती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।